जय हिंद दोस्तों, हम लोग एक मैक्सिम और कवर कर लेते हैं और हमको लगता है ये इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती, इसलिए इसको भी कवर करना ज़रूरी है। देखिए है क्या, इक्विटी का जो लॉ है, ये जो पेपर है ये समझने का पेपर है। अगर आपको ये समझ में आती हैं चीज़ें तो बहुत आसानी से पेपर हो जाएगी, इसमें रटने जैसी कोई बहुत विशेष बातें हैं नहीं। इसीलिए अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो अपने आप से भी पेपर लिखा जा सकता है, उन जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको उनके अधीन रहते हुए। तो हमारी अगली मैक्सिम है वो ये है कि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, यानी कि न्यायालय से, इक्विटी के कोर्ट से जो ये चाहता है कि उसके साथ साम्य के आधार पर न्याय किया जाए, तो उसको भी सामने वाले के साथ, मतलब अपोजिट पार्टी के साथ, सामिक या साम्य के आधार पर जो उसके भी राइट्स बनते हैं वो देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसका बेसिक मतलब ये है, हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे साथ न्याय हो तो अगर दूसरे वाले पक्ष का भी कोई ऐसा हित बनता है तो हमको भी उसके साथ न्याय करना चाहिए। बेसिक मतलब इसका इतना सा है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई कोई सामयिक अधिकार, इक्विटेबल राइट, कोई इक्विटेबल रिलीफ हमको मिले, तो अगर सामने वाले अपोजिट पार्टी का भी कोई इक्विटेबल राइट बनता है तो हमको भी तैयार रहना चाहिए कि हमको उसको देना पड़ेगा। अब है क्या, बेसिकली देखिए, ये इक्विटी ट्रस्ट का जो भी हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं इंग्लैंड से रिलेटेड है। इंग्लैंड में एक टाइम पे कॉमन लॉ और इक्विटी का अलग अलग सिस्टम चल रहा था, दोनों पैरेलल व्यवस्थाएं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक दूसरे के अगेंस्ट थी। इक्विटी का जन्म कॉमन लॉ में जो कहीं ना कहीं कमियां थी या लचीलापन कम था, फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, उसको दूर करने के लिए इक्विटी कोर्ट्स आए थे, इक्विटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब है क्या कि प्रेजेंट सिनेरियो में, आज की तारीख में भारत में जो भी कानून हैं उनमें कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल किसी न किसी सेक्शन, किसी न किसी धारा के रूप में लिखे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा वैसे तो महत्व नहीं, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा इतिहास पता ही होना चाहिए। तो इस मैक्सिम का मतलब ये है कि अगर हम न्यायालय से चाहते हैं कि हमको इक्विटी के आधार पर कोई रिलीफ दी जाए, तो अगर सामने वाले का कोई इक्विटी के आधार पर रिलीफ बनता है तो हमको भी उसको देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मैक्सिम का ये मतलब है। अच्छा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और एग्जांपल के साथ में आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट, जैसे हमने लिखा हुआ है इलीगल लोन, तो हम समझ लेते हैं कि इलीगल लोन का मतलब क्या है। असल में होता है कि ये है कि जो भी लोन का बिजनेस है उसके लिए रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। अब चूंकि पहले तो ब्याज, जब इस तरह के बैंकिंग सिस्टम नहीं रहा होगा तो सरकार से मान्यता या रजिस्ट्रेशन करा के लोगों को अधिकार दे दिए जाते थे कि आप लोन दे सकते हैं। आज भी जो होता है, अगर आप प्रैक्टिकल में देखें तो बहुत सारे लोग हैं ब्याज पे पैसा बांटते हैं। कुछ लोग रजिस्टर्ड होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, और कुछ लोग अनरजिस्टर्ड होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो यहाँ पे इलीगल लोन से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने ब्याज पे पैसा देने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो, तो उसका पैसा जो एक तरह से इलीगल लोन की कैटेगरी में आता है। अब इसमें होता क्या है, एक एग्जाम्पल समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ए ने बी से कुछ पैसे लिए और इस पैसे का मतलब मान लीजिए 1,00,000 रुपये उसने ले रखे हैं, ठीक है, 1,00,000 रुपये इसने उधार लिए, और पैसे जब लिए तो उसने यहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ रखा ज़रूर होगा। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी रखी या कोई ज़मीन के कागजात रखे या इस तरह का कुछ भी, जैसे मॉर्गेज में या प्लेज में होता है वैसे। तो अब है क्या कि ये अनरजिस्टर्ड बंदा है, यानी कि इसने ब्याज पे पैसा देने के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है। तो अब होगा ये कि जब ये पैसे इनको ब्याज पे दे रहे हैं तो ये ट्रांजैक्शन जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ठीक है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होने के नाते ये कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं कराया जा सकता। तो अब होगा ये कि अगर मान लीजिए ये इनसे कहते हैं, बी से जब इनको पता चला रे ये कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं हो सकता, तो इन्हीं ने बी से कहा भाई ऐसा है हमारी जो सिक्योरिटी तुमने रखी हुई है वो चाहे मान लीजिए एफडी के रूप में रखी हो या किसी
पेपर के रूप में रखी हो या और भी कुछ रखा हो और ये इनसे पैसा मांग रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ इक्विटी की जाए। तो पलट के इधर से ये भी जवाब आएगा कि भाई जो तुमने हमसे 1,00,000 रुपए ले रखे हैं वो भी तो हमको वापस करो। तो इसको आप इस एग्जांपल से समझ लीजिए कि ही हु सीक्स इक्विटी, ये इक्विटी चाह रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी वो हमको वापस की जाए, तो इनको तैयार रहना होगा इनकी इक्विटी इनकी साम्या के लिए भी, यानी कि अगर ये अपनी पैसा वापस चाहते हैं तो इनको भी, ये अगर अपनी सिक्योरिटी वापस चाहते हैं तो इनको भी अपना पैसा इनको वापस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बात। एक इससे रिलेटेड प्रोविजन और है जैसे हम आपको बताते हैं, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। एक डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अभी प्रेजेंट में हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 35 में है। ठीक है, सेक्शन 35 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है। बेसिकली होता क्या है, होता इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये एक डॉक्यूमेंट ए जो हैं ये एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट के तहत इनकी जो ये बाइक दिख रही है ना, अपने समझ लीजिए बस ऐसे ही, ये इनकी बाइक या इनकी कोई प्रॉपर्टी, ये एक इनका मकान है, ये मकान को किसको देना चाह रहे हैं, ये इनको दे रहे हैं। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के तहत मकान किसका है, बी का है। मान लीजिए कीमत कितनी है इसकी, 10,00,000 रुपए की कीमत है। ठीक है, 10,00,000 रुपए की कीमत का ऐसा मकान जो ए का नहीं है वो बी को दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बदले में ये अपना 20,00,000 रुपए का अपना एक खेत बी के नाम करे दे रहे हैं और बी का ये मकान सी के नाम करे दे रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के तहत। बात समझ में आ रही है? तो अब है क्या कि यहां पे दो चीजें होंगी, एक चीज तो ये होगी कि अगर बी इस खेत को चाहते हैं तो इनको इस मकान को सी को देना पड़ेगा, और अगर ये अपना ये मकान चाहते हैं तो इनको इस खेत को वापस करने का, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन होता है। बी के पास ऑप्शन होता है कि वो इलेक्ट करे कि वो अपना मकान अपने पास रखना चाहते हैं या इस खेत को अपने पास रखना चाहते हैं, और ये जो इनका ट्रांजैक्शन है कर कौन रहा है, ए कर रहा है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और नहीं पूछा जाए तो आपके समझाने के लिए बहुत है। तो अब यहाँ पे ये वाली मैक्सिम कैसे लगती है, अब मान लीजिए बी अगर ये चाहते हैं कि ये 20,00,000 रुपए वाला मकान रख लें तो इनको भी इक्विटी करनी पड़ेगी, यानी ये अपना ये जो मकान है ये सी को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इस मकान को भी अपने पास रख लें और इस प्लाट को भी अपने पास रख लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अगर ये इक्विटी चाहते हैं कि हमको ये मकान दिलाया जाए तो इनको भी तैयार रहना होगा इक्विटी के लिए। ठीक है, और ये इक्विटी जो सी की बनती है कि इनका ये मकान में हक बनता है, ये हो सकता है। अब हो सकता है आप लोगों के दिमाग में आए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, सेक्शन 35 हम आपको बता रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, उसमें आप देखेंगे तो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा समझाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि अगर ये इस बात की इक्विटी चाहते हैं कि हमको ये जो मकान मिला है वो हमको रखना है, तो इनको ये सी की जो इक्विटी है इस मकान में, जो सी की साम्या है, उसको भी करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसी तरह से एक बात और समझ लेते हैं, एक दूसरा केस, चूंकि हमने आपको बताया कि इंग्लैंड के सिनेरियो में आज के पॉइंट पे कुछ कम ही चीज़ें लागू होती हैं, जैसे ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं लागू होता, लेकिन समझने के लिए हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लेना, उसको समझ लेना। ठीक है, तीसरा क्या है, वाइफ प्रॉपर्टी। असल में इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड में ये था कि जब शादी होती थी किसी महिला की, जब किसी महिला की शादी होती थी तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो उसके हस्बैंड की हो जाती थी।
ठीक है। और ये मान लिया जाता था कानून की नज़र में कि पति और पत्नी एक ही हैं, और इसकी इस महिला की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर उसके हस्बैंड का पूरा हक होता था। और यहाँ तक कि ये पूरी तरह स्वतंत्र थे कि अपनी इस पत्नी की प्रॉपर्टी को जैसे चाहें वैसे बेच सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो महिला की अपनी जो भी प्रॉपर्टी रही हो शादी के बाद वो कहीं ना कहीं हस्बैंड में मर्ज हो जाती थी, और हस्बैंड को इस प्रॉपर्टी पर पूरा हक होता था, ये चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते थे। समस्या यहाँ पर ये आ रही थी कि ऐसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस महिला के साथ इनजस्टिस हो रहा था, इसके साथ नाइंसाफी हो रही थी, और इनको कहीं ना कहीं एक ब्लाइट स्थिति में रखा जा रहा था, दयनीय स्थिति में रखा जा रहा था। तो अब इक्विटी ने इसके लिए एक रास्ता निकाला, और वो ये हुआ कि अगर वाइफ का सेटलमेंट होता है किसी तरह से हस्बैंड के साथ, कि मान लो कल को अगर ये छोड़ दे या इनकी डेथ हो जाए या मान लो ये प्रॉपर्टी बेच ही खाएं, तो वाइफ का क्या होगा। तो इक्विटी ने दो तीन रास्ते निकाले, और उसमें एक सेपरेट स्टेट करने वाला भी, कि मतलब संपदा इनके लिए अलग कर दी जाए, और या इनका वाइफ का सेटलमेंट हो जाए। और सेटलमेंट का मतलब ये है कि अगर कभी ये प्रॉपर्टी बेचना चाहेंगे तो पत्नी का जो हक है उसके खर्चे पानी का वो उनको निकाल के रखना पड़ेगा। तो जब इस तरह का अगर सेटलमेंट वाली जो चीज़ें हो रही थी और वो हो गई, तो अब अगर मान लीजिए कभी भविष्य में पति अपनी इस पत्नी का मकान बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले मैक्सिम बताया था कि जो कॉमन लॉ के सेट प्रिंसिपल हैं इक्विटी उनके अगेंस्ट नहीं जाती जब तक कि लिखित रूप में लॉ उसको मना ना करे। इक्विटी को कॉमन लॉ के अगेंस्ट जाने का राइट नहीं है, लेकिन उन जगहों पर जहां पर कमी है उसको पूरा कर सकती है। तो ये इसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे हैं कि पति को पत्नी की संपत्ति से के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इन्हीं ने लेकिन एक कहीं ना कहीं वो इफ बट वाला कॉन्सेप्ट लिया है कि अगर पत्नी के साथ सेटलमेंट हो जाता है या उसके लिए सेपरेट स्टेट अलग से संपदा निकाल के रखने की व्यवस्था कर दी जाती है, तब अब अगर जब ये हस्बैंड महोदय इस मकान को बेचने जाएंगे तो जो वाइफ का सेटलमेंट है जिसके तहत ये तय हुआ था कि आप पत्नी को 1,000 पाउंड या 500 पाउंड या 100 पाउंड महीने के खर्चे के तौर पर दिए जाएंगे, तो पत्नी कहेगी तुम ये इक्विटी करना चाहते हो कि मकान बेचो, तो हस्बैंड को भी तैयार रहना होगा किस बात के लिए, इक्विटी करने के लिए। अगर हस्बैंड ये चाहते हैं कि ही हु सीक्स इक्विटी, ये चाहते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी या जो मकान है बेच रहे हैं, तो इस सेटलमेंट के तहत जो पत्नी की इक्विटी तय हुई, पत्नी का जो सामयिक अधिकार तय हुआ, पति को इस सामयिक अधिकार के लिए तैयार रहना होगा। चलिए देखिए, हमें लगता है इतनी चीज़ों से आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाएगा और आसानी से आप लिख भी लेंगे। ये तीन चार मैक्सिम तो जो थी वो बहुत पूछी जाती हैं। एक इसी से रिलेटेड मैक्सिम होती है कि जो वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति इक्विटी के पास आता है तो उसको क्लीन हैंड आना चाहिए। मतलब क्लीन हैंड का मतलब ये, अगर ये कह दें इसी, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लगभग एक ही जैसी हैं, तो ये है कि अगर ये पत्नी का हिस्सा नहीं देना चाहें और मकान बेचना चाहें, तो इनको क्लीन हैंड आने का मतलब है कि इनको इसकी अपनी पत्नी का जो भी सेटलमेंट हुआ था, जो भी पैसा दिया था, उसको देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब ये तैयार होंगे तभी माना जाएगा कि क्लीन हैंड है। और अगर ये देने के लिए तैयार नहीं, बात छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब इनके मन में कुछ शंका है, कुछ डाउट है, इनकी नीयत में खोट है। तो जो इक्विटी न्यायालय चाहता है कि उसके साथ न्याय हो, तो उसको साफ सुथरे रूप में आना चाहिए, कोई छल कपट नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक, थैंक यू।